एक दिवसीय योग कार्यशाला छोटे बच्चों के लिए रखे हैं। इन बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, इस पर हम आज आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा करेंगे। सभी आंख बंद कर ले ध्यान मुद्रा में और सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 हे। ओम। आप सभी देवात्माओं को मैं डॉक्टर ब्रिज महन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के उद्वंत नगर प्रखंड में दरियापुर गांव के पास ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल में ये छोटे बच्चों के साथ हम एक दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और पूरा विद्यालय परिवार इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहा है। तो आइए आज हम बच्चों के मानसिक विकास के लिए 3 प्रकार के हम प्राणायाम बताएंगे। कितने प्रकार के? बोलिए 3। जोर से बोलेंगे 3। बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा बच्चा बैठा है। तो बोलिए मेरे साथ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। नाम याद हो गया? कपालभाति अभी नहीं करवाएंगे, खाना खाए ना आप लोग। तो अभी बोलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। 3 हो गया। अब सीधे बैठ जी, अब हम बारी बारी से आपको बताएंगे। ये ध्यान मुद्रा है। हथेली में कितनी अंगुलियां हैं? 5 है। तो पहले हिंदी में इसका नाम याद कर ले। बोलिए अंगूठा, पकड़िए अंगूठा, तर्जनी,